बैठो क्यों बैठे तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? मैं हूँ हरिद्वार के कुछ हाल देखने, क्योंकि 17 तारीख के बाद सावन शुरू होने वाला है और उससे पहले अपने हर की पैडी के जो हाल है हमने सोचा कि थोड़ा देख लिया जाए क्या माहौल है यहाँ का, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और पानी का थोड़ा रंग भी चेंज हो चुका है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि बाहर के लोग कितने आए हुए हैं और गर्मी इतनी हो रही है कि मुझे तो पसीना आ गया है, बहुत ज़्यादा पसीना हो रखा है। मगर ऐसा होता है ना, गर्मी जितनी होती है तो गंगा बनाने का मज़ा ही उतना ही आता है, तो वही फीलिंग है आज यहाँ पर। और बहुत ही अच्छी भीड़ है, मतलब सीज़न इसे कहते हैं, सीज़न बोले तो जून का महीना, छुट्टियों का महीना। तो इस टाइम क्या होता है, सब लोग फ्री होते हैं, छुट्टी होती है और घूमने के मतलब की जगह होती है, तो सब वहाँ जाते हैं। तो इसी वजह से ही एक स्थान हमारा हरिद्वार भी है जहाँ पर लोग इतने आते हैं कि आप सोच नहीं सकते। इतना ट्रैफिक हो जाता है कभी कभी यहाँ पर कि लोकल बंदों के लिए भी निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वही चीज़ दिखाने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ कि ये जो ट्रैफिक वगैरह कभी कभी हरिद्वार में होता है वो क्यों होता है। यही कारण है कि इतने श्रद्धालु हमारे हरिद्वार में आते हैं नहाने के लिए, घूमने के लिए और आनंद लेते हैं और यहाँ के दर्शन करके जाते हैं। बाकी देखिए आप नज़ारा यहाँ। वाराणसी नाथम मम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। आपने नोटिस की होगी आजकल इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है, जो कि बाहर के लड़के हरियाणा या बाहर के कोई के भी हो चाहे लोकल के हो, सब यहाँ से इस ब्रिज से ही कूद रहे हैं। और सामने शिव जी की मूर्ति आ रही है, यहाँ से माता जी की मूर्ति आ रही है और ये ही वो ब्रिज है जहाँ से बड़े लड़के कूद रहे हैं। देखिए अभी ये कूदने वाले हैं और ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत बंदे सोच रहे होंगे ब्रिज कहाँ पर है, मगर ये यहीं पर ही है। तो इस चीज़ को मैं दिखाने के लिए यहाँ पर आया था। तो अब देखिए लड़के तैयार हो चुके हैं कूदने के लिए। बढ़िया आने सारे आ गए। क्या वगैरह रखते हैं? यूट्यूब पे क्या रहा है? प्लीज हमने करा हरिद्वार का लड़का डाल देना, हरिद्वार का लड़का अपना तेरा फोटो ला देगा, फोटो आ जाएगा, मेरी फोटो आ जाएगी, वीडियो आएगी, तुम्हारी भी आ जाएगी। हरिद्वार का लड़का लिख दो चाहे बोल दो कैसे भी आ जाएगा। और यहाँ की वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हो रही, तुमने देखा हरिद्वार वाले की? जैसे कोई भी लड़के आ रहे हैं बाहर के, हरियाणा वगैरह के आ रहे हैं, तो यहाँ से कूद रहे हैं ना, यहाँ से सामने शिव जी की मूर्ति आ रही है, आ रहा तो बहुत वीडियो वायरल हो रही, बहुत लोग होगी यूट्यूब इंस्टाग्राम पर, मतलब बहुत यहाँ इस वाली पुलिस इंस्टाग्राम पर भी आई थी, इंस्टाग्राम पर भी है। चलो भाई भाई कूदने जा रहा है हमारा। तो गाइस ये देखिए हमारे भाई हरियाणा के सोनीपत जिले के हैं और ये यहाँ से ब्रिज से कूदने वाले हैं जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है। तो भाई कूदने के तैयार हो? यस। तो भाई कूदने वाले हैं, कूदिए भाई। एक तो भाई लोग कूद चुके हैं, बहुत मजे ले रहे हैं, मतलब 4-5 बार कूद गए यहाँ से और गर्मी में तो बुरा हाल हो गया, भीड़ बहुत बढ़िया हो रखी है, बहुत ही ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो गाइस ये था आज का कुछ नज़ारा, अपना हर की पौड़ी का नज़ारा था आज का, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी है और मज़ा ही बहुत आ रखा है। तो मैंने सोचा आज घूम के आता हूँ और इन्जॉय करते रखी है, सीज़न है और कुछ टाइम बाद सावन स्टार्ट होने वाला है, तो सोचा अब कितनी भीड़ होने वाली है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैं अभी इसी चीज़ को अंदाज़ा लगाने आया था कि अभी क्या माहौल है हरिद्वार में हर की पौड़ी पे, तो आपको दिखाया मैंने आज का माहौल। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और सावन के साथ साथ आपको न्यू अपडेट भी जरूर मिलती रहेंगी। तो बाय। बिना पूछे मारा डंडा बिचारे के थप्पड़ मारा, बेचारा बैठा था भाई में बैठा क्यों बैठा है?
हमारा फेवरेट किसी बंदे को।